आज मैं इस वीडियो में आपको देखें कैसे आपको Realme GT7 Pro में आपको कैसे ODG को कनेक्ट करना है या फिर ODG सेटिंग्स करनी है। तो इस वीडियो को फोन लेके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको लाइव प्रूफ कनेक्ट करके और साथ ही मैं लाइव प्रूफ इनेबल करके आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। अंडे तो अपने फोन डिस्प्ले पे ODG को कनेक्ट करना है तो आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए। इस डिवाइस को मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ से इसे आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास मार्केट है तो जाके आप वहाँ से बाय कर लीजिए, कम प्राइस में मिल जाएगा, 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन खरीदते। तो ऑनलाइन जाइएगा तो आपको महंगा पड़ेगा, 100 पड़ जाएगी अगर आप कितना भी अच्छा क्वालिटी या फिर कम प्राइस में खरीदना चाहें तो। और यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन बाय खरीदने के लिए चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका कम प्राइस का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ से मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सारा का सारा मैं दिया हुआ हूँ, जाके आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं एक डिवाइस में लेता हूँ कनेक्ट करने के लिए। आपका कोई सा डिवाइस लीजिए, मार्फो हो गया, मंत्रा हो गया, कनेक्ट करने के लिए कोई सा डिवाइस लीजिए। और चलिए मैं इसमें लगा देता हूँ, इसमें लगा लीजिए। और चलिए मैं फ़ोन पे आता हूँ और सिंपली आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद स्क्रॉल के नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स दिख रहा हो तो एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल के नीचे आइए और यहाँ पे ओटीजी कनेक्शन दिख रहा हो, ओटीजी कनेक्शन को इनेबल करना होगा। पहले ये नहीं इनेबल करना होगा, पहले आपको इनेबल करनी होगा, उसके बाद ही ये इसे आप लगाना है अपने फ़ोन में। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद चलिए मैं अपने फ़ोन में लगा लेता हूँ, देख लीजिए लगा लिया। लगाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ से बैक आइए और सिंपली आपको फायरबॉल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं फायरबॉल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मास्टर स्टोरेज ऑप्शन आता है, चलिए मैं यहाँ से फिर से निकाल के दिखाता हूँ और फिर से मैं लगाता हूँ। और यहाँ पे देखिए मास्टर स्टोरेज है वो आ जाएगा, चलिए यहाँ से देख लीजिए मास्टर स्टोरेज आ गया यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इससे यहाँ पे ओटीजी को आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ओटीजी सेटिंग्स कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करके प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा।